जीवन में हमें कभी भी दुख से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब दुख आता है तो सुख भी आता है। जीवन में सुख और दुख एक साथ चलता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है। जीवन में सुख और दुख एक साथ चलते हैं। जब हमारे पास सुख आता है तो दुख भी आता है, क्योंकि संसार का नियम ही परिवर्तन है। इसलिए हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इस परिवर्तन से हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए, उसके सामने डटकर खड़े रहना चाहिए। सुख आया जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। सुख दे कर जाने वाले से, सुख दे कर जाने वाले से, ए मानव क्यों घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है। मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा अज्ञान यही है, जब उसके पास सुख आता है तो वो इतना फूला नहीं समाता है कि भगवान को भी भूल जाता है, और जब दुख आता है तो उसे लगता है भगवान ने उससे सब कुछ छीन लिया, और फिर उसे भगवान की याद आने लगती है। इसलिए सुख में कभी भी फूलना नहीं चाहिए और दुख में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। सुख में सब भूले रहते हैं, दुख सब की याद दिलाता है। सुख में सब भूले रहते हैं, दुख सब की याद दिलाता है। सुख है संध्या का लालच वृक्ष, सुख है संध्या का लालच वृक्ष, जिसके पश्चात अंधेरा है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है। जीवन में हमें कभी भी दुख से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि दुख के सामने जो डट कर खड़े रहते हैं, इतिहास में उनका ही नाम दोहराया जाता है, और दुख के सामने जो हार जाते हैं वो इस दुनिया से गुमनाम हो जाते हैं। दुख के सम्मुख जो हार गए, उनको इतिहास न जान सका। दुख के सम्मुख जो हार गए, उनको इतिहास न जान सका। दुख के सम्मुख जो खड़े रहे, दुख के सम्मुख जो खड़े रहे, जग उनको ही पहचान सका। दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है। मनुष्य के जीवन में
जब दुख आता है तो उसे अपने और पराए का ज्ञान हो जाता है। वो अपनी कसौटी पर खरा उतरता है और भगवान के प्रति उसका अपार स्नेह बढ़ता है, अपार भक्ति बढ़ती है, क्योंकि दुख में केवल भगवान ही सहारा देते हैं और दूसरा कोई नहीं पूछता। दुख तो बस एक कसौटी है, मानव को खरा बनाता है। दुख का अभ्यासी मानव ही, दुख का अभ्यासी मानव ही सुख पर अधिकार जमाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, दुख भी मानव की संपत्ति है।